दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के रिमांड पर हैं। शराब घोटाले को लेकर उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं। इस बीच उन्होंने ईडी कस्टडी से जल विभाग को ऑर्डर जारी कर संदेश दे दिया कि जेल से ही उनकी सरकार चलेगी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में सियासी घमासान मचा हुआ है। आज दिल्ली की सभी विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। उधर बीजेपी भी भ्रष्टाचार पर केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है। जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, जिस सवाल का जवाब सभी जानना चाहते थे कि आखिर दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी, क्या यह माना जाए कि जल विभाग को लेकर जो आदेश केजरीवाल ने जारी किया है उससे साफ हो गया है कि आदिशी ने जो बात कही थी कि जेल से ही सरकार चलेगी वही होगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ईडी की कस्टडी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन ईडी की हिरासत में होने के बावजूद उन्होंने दिल्ली मंत्री आतिशी को आदेश जारी किया और कहा कि दिल्ली जल बोर्ड किस तरीके से काम करेगा उसको लेकर के उन्होंने निर्देशित किया है। और यही वजह है कि कुछ ही देर में दिल्ली की जो जल मंत्री हैं आतिशी, वो प्रेस वार्ता करके मुख्यमंत्री के निर्देशों को बताएंगी और बताएंगी कि क्या आदेश जल विभाग को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया है। क्योंकि अटकलें ये लगाई जा रही थी कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे तो आखिरकार दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी, और बार बार आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, और उसके संकेत मिलने भी शुरू हो गए। क्योंकि आप देखिए, ठीक है बलराम, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली की सभी विधानसभाओं में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ दी गई याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। होली के बाद 27 मार्च को सुनवाई हो सकती है। तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है। सभी विधानसभाओं में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। कैंडल मार्च निकाला जाएगा। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका दी गई थी उस पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले उन्होंने जो राहत मांगी थी गिरफ्तारी से, वो भी देने से इनकार कर दिया था। बाकायदा ईडी की तरफ से दस्तावेज देखे थे। तो इस बीच बड़ी पॉलिटिकल अपडेट, अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी से ही आदेश जारी किया है। इधर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग भी तेज है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि गिरफ्तारी से उनकी सरकार के कदम नहीं रुकेंगे, वहीं बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल कानून से ऊपर नहीं है। बीजेपी को खत्म करने के बिल्कुल कैंपेन है, क्योंकि हम इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि ये पार्टी अगर देश में आएगी ना, ये हमें आने वाले 2-4 साल में खत्म कर देगी। तो इसीलिए वो किंग पिन है। कौन सा किंग पिन, क्या बातें कर रहे हैं ये लोग। सभी का ये मानना है कि जो हुआ है वो न्यायोचित हुआ है, और आपने यह भी देखा है 2 दिन पहले इस पूरे विषय को लेकर आधी रात को सुप्रीम कोर्ट में जाने की कवायद भी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट से भी अपने याचिका को वापस लेना पड़ा था अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल जी, आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं मगर आप हिंदुस्तान के कानून से बड़े नहीं हैं। Zee News.